वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया है, पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़े है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ये जो बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के संविधान की दुहाई देते नजर आ रहे हैं, उसके पीछे उनके मुल्क में लोकतंत्र को तार तार करने का लंबा इतिहास छिपा है। ताजा मामले में पाकिस्तान की संसद को उसके डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के ऐन पहले ये कहते हुए भंग कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन है, जबकि विपक्ष का दावा है कि पार्लियामेंट भंग करने का अधिकार न तो इमरान खान को है और न ही स्पीकर को। इससे पहले की बात पाकिस्तान में जमहूरियत के बुरे अनुभवों की करें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 5 आखिर है क्या। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि राज्य के प्रति वफादारी देश के हर नागरिक के प्राथमिक जिम्मेदारियों में शुमार है। अब सवाल ये उठता है कि इस आर्टिकल के बहाने पाक संसद भंग क्यों की गई। तो इसकी सीधी वजह निवर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान का वो आरोप है जिसके तहत उन्होंने अपने खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अमेरिका की साजिश करार दिया है। इसी दलील को आधार बनाकर डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने के साथ साथ नेशनल असेंबली भी भंग कर दी। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में लोकतंत्र का इस तरह से गला घोटा गया हो। 75 सालों के इतिहास में 4 बार तो इस मुल्क ने सैन्य तख्तापलट का सामना किया है। पाकिस्तान की सेना ने पहली बार 1953-54 में सत्ता की कमान अपने हाथ में ली, दूसरी बार 1958 में सैन्य तख्तापलट हुआ, 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर मुल्क पर मार्शल लॉ लागू कर दिया, जबकि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार का न सिर्फ तख्ता पलट किया बल्कि शरीफ को कई आरोपों के तहत गिरफ्तार भी कर लिया। ये बात और है कि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते शरीफ को लंदन जाने की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जिस भी प्रधानमंत्री ने सेना की शान में गुस्ताखी की उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी, फिर चाहे उसके लिए पार्लियामेंट का सहारा लिया गया हो या सुप्रीम कोर्ट का। पाकिस्तान में 4 साल से ज्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्रियों की संख्या महज 3 है। अब तक एक प्रधानमंत्री की पीएम पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई, 2 पाक पीएम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए, 4 को सेना ने हटा दिया और 6 को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया, जबकि 5 ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सेना के दबाव में इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के सियासी हालातों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।